दुर्घटना से देर भली, और जब दुर्घटना ट्रेन से होने की आशंका हो तब क्या करना चाहिए ये आपको ट्रेन में सफर करने से पहले पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रेन में सफर करना भी आसान नहीं होता। रेलवे ट्रैक्स पार करते समय हर वक्त चौकन्ना रहना होता है, हर वक्त सचेत रहना होता है, क्योंकि जरा सी भी चूक आपकी जिंदगी भर की परेशानी का कारण बन सकती है। ऐसे में जरूरी है सावधानी, जो जैन रेलवे स्टेशन पर महिला ने बरती तो नहीं, लेकिन क्योंकि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है तो बचाने वाले ने बचा लिया, लेकिन गुंजाइश जरा सी भी नहीं थी। लगा नहीं था कि महिला ने जो हरकत की है उसके बाद वो बच पाएगी। सबसे पहले आप वीडियो देखिए कि महिला ने किया क्या। देखा आपने कैसे उज्जैन में रेलवे स्टेशन पर शनिवार को एक बड़ा हादसा होते होते टला। महिला ने पहले चलती ट्रेन से अपने दो मासूमों को फेंका, फिर सामान फेंका और उसके बाद खुद भी चलती ट्रेन से कूद गई। मौके पर मौजूद महिला कांस्टेबल नहीं होती तो महिला की जान बची नहीं होती। ये घटना शनिवार सुबह उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 की है। यहाँ एक शख्स अपनी पत्नी और दो बच्चों को साथ लेकर स्टेशन पहुंचा था। उन्हें उज्जैन से सीहोर जाना था। वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ट्रेन आने से पहले ही पहुंच गए। इतने में बचे हुए समय में पति टिकट लेने चला गया। पति टिकट लेकर आ भी नहीं पाया तब तक जयपुर नागपुर एक्सप्रेस आ गई। पत्नी जल्दी में बच्चों और सामान समेत ट्रेन में चढ़ गई और ट्रेन चल दी। ट्रेन में अंदर घुसते ही उसे आभास हुआ कि वो गलत ट्रेन में चढ़ गई है। जैसे ही पता चला वैसे ही घबराई महिला ने अपने 4 साल और 6 साल के बच्चे को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया, फिर खुद भी कूद गई। ये सब मौके पर मौजूद कांस्टेबल महेश कुशवाहा ने देखा। जैसे ही महिला कूदी वैसे ही कांस्टेबल ने महिला को बचा लिया, नहीं तो बच्चे और सामान तो भगवान की कृपा से बच गए लेकिन मां की जान चली जाती। इस पर यूपी पुलिस के सोशल मीडिया स्टार सचिन कौशिक ने भी ट्वीट किया, लिखा है, हे भगवान, गलत ट्रेन में चढ़ने पर महिला ने पहले अपने दोनों बच्चे ट्रेन से फेंके, सामान फेंका और फिर स्वयं भी चलती ट्रेन से कूद गई। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि बच्चे और महिला सुरक्षित हैं। हे ईश्वर, इस महिला को बुद्धि देना। इसी तरह से लोग सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देख रहे हैं। कोई महिला की हिम्मत की दाद दे रहा है तो वहीं कोई महिला को बुद्धि देने की ईश्वर से विनती कर रहा है। वैसे आप हमें बताइए कि आप अगर कभी ऐसी समस्या में फंसे हो या कभी की गलत ट्रेन में चढ़ जाएं तो आप क्या करेंगे? आप ऐसी स्थिति में अपने और अपने परिवार के लिए क्या स्टेप लेंगे? उनकी सुरक्षा का कैसे ख्याल रखेंगे? इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।